Assalamu alaikum guys, welcome to our village, Azad Kashmir. अभी इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से गांव वटाला में, और ये यहाँ का सबसे मशहूर जो छप्पड़ कह लें, जिसको नदी कह लें, छोटी सी पतेड़ियाँ छप्पड़ के नाम से ये मशहूर है। और ये पीछे आपको एक पहाड़ी दिख रही है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया। इसके साइड पे दूसरी जो पहाड़ी है वो इंडिया की पहाड़ी है, वहाँ पर इंडिया का बॉर्डर है और ये पाकिस्तान के बॉर्डर है। तो वटाला यहाँ पे आमू के नाम से जाना जाता है, जिसको आमू का शहर कहा जाता है, वो आज़ाद कश्मीर में वटाला है। और यहाँ पे ये एक मशहूर छप्पड़ है, इसके बारे में आपको बताते चले। यहाँ पे 2 से 3 अमवात हो चुकी हैं, छोटे बच्चे यहाँ पे अक्सर नहाने आते हैं, तो उसमें काफ़ी हादसा यहाँ पे हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर डूब के मर चुके हैं, अपनी जान यहाँ पर ज़ाय कर चुके हैं। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट व्यूज़ दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। कश्मीर का वो इलाका है जहाँ पे गोलाबारी बहुत ज़्यादा होती है। ज़रा जूम करके बताएं, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जब यहाँ पे गोलाबारी होती है, इसके नज़दीक जितने भी यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के एरिया के जितने भी यहाँ पे घर हैं, जितने भी अफराद मौजूद हैं, जब भी यहाँ पे गोलाबारी होती है तो वो यहाँ से कूच कर जाते हैं, यहाँ से इधर से निकल के दूसरे यहाँ पे दूर सिटी के एरिया में चले जाते हैं, ताकि उनको कोई भी नुकसान ना हो। अक्सर औकात गोलाबारी इतनी ज़्यादा होती है कि कहीं जानी नुकसान भी होता है, और इसके अलावा माली नुकसान का भी लोगों को सामना करना पड़ता है। इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के माल मवेशी काफ़ी अच्छी खासी मकदार पे यहाँ पे मौजूद हैं। जब गोलाबारी होती है तो उनको भारी नुकसान होता है यहाँ पर। तो इसके अलावा जब गोलाबारी की सिचुएशन होती है, यहाँ पर नज़दीक जितने भी सर्विसज़ हैं, टेलनार, जैस, हर किस्म की मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट व्यू आपको हम दिखाते हैं अपने बाग का। Oh,
तो ये सिर्फ कुछ फलदार दरख्त हैं जो कि साइड पे लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और इसके अंदर जो दरख्त हैं माल्टा के, नींबू और अमरूद। इस सामने आम के दरख्त लगे हुए हैं, इनका थोड़ा आपको व्यू दिखा देते हैं। और ये छोटा सा ट्यूबवेल कह रहे हैं जिसको, यहाँ पे लगा हुआ है। अभी तो रिसेंटली रमज़ान करीम जो के ख़त्म हुआ है, तो सब लोग इधर आते थे नहाने के लिए और बहुत ही मज़ा आता था। तो चलिए आपको इसका व्यू थोड़ा दिखा देते हैं, और थोड़ी सी वीडियो एक पहले की वो भी कट करके इसमें आपको मैं दिखा दूँगा। रिलैक्स बनाओ, ऊपर का बंद कर, डूब गए, रुक जा, मत करता हूं। चल वारी पहले तो मुझे चल ना। तो ये पानी का पाइप है, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तब से पानी आता है और ये यहाँ नीचे तक फुल हो जाएगा। और इसमें नहाने का बहुत मज़ा आता है क्योंकि पानी ठंडा ठंडा होता है और रोज़ा भी सारा ठंडा हो जाता है। तो चलिए आपको आमों के जो दरख्त हैं उसका थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। ये देखें, हवा की वजह से कुछ आम के जो फल है वो नीचे गिरा हुआ है। और अभी तो ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक मंथ तक ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे, फिर इसको मेडिसिन लगा के पकाया जाएगा। इसके अलावा कुछ बड़े दरख्त हैं जो कि खुद पक जाते हैं, लेकिन ये हमने दूसरे नस्लदार होते हैं जो वो वाले यहाँ पे लगाए हैं, तो इसको मेडिसिन लगा के पकाना पड़ता है। तो अंधेरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आती है, आवाज़ आती है, जिसकी वजह से ये नीचे काफ़ी ज़्यादा फल है जो कि ज़ाया हुआ पड़ा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे कुछ बड़ा फल लगा हुआ है, ये देखिए मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो। हाँ ठीक है, ये काफी थोड़ा सा अभी बड़ा हो चुका है। ये हमारा व्यू है हमारे घर के पास, जो बाग है हमारा उसका। तो इंशाल्लाह बाकी मज़ीद आगे वीडियो हम बनाते रहेंगे आप, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।